हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें डिफरेंट स्टिचेस यूज़ होंगे और ये मोटिफ की तरह से बनेगा और आप इसे किसी भी शर्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रफली फिल कर लेंगे इस तरह से और इसमें आप कोई सा भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लाइक सिक्स स्ट्रैंड्स वन और द सिंगल वन, DMC, एंकर, इवन वूल। अब हम इसे फिल करेंगे, इसे मैं ब्लैंकेट स्टिच के साथ फिल करूंगी। इसे ब्लैंकेट स्टिच, बटन होल स्टिच या काज टांका कहते हैं। इसमें स्लैंटेड लेते हैं हम इस तरह से, जब भी कोई पैटर्न आपको कुछ भी फिल करना हो तो स्लैंटेड स्टिच लेते हैं। ये पहले वाले स्टिच हैं, हम इस तरह से इसको जो फर्स्ट स्टिच है ऐसे लेंगे हम इसका। हमें इसे पूरे को कवर करना है इसके साथ और बिल्कुल क्लोज क्लोज स्टिच लेने हैं। बिल्कुल क्लोज लेंगे आप स्टिच इसे यहाँ से। यू नीडल के साथ आप इस तरह से भी कर सकते हैं इस डायरेक्शन को। आप अपने ड्रेसेस के ऊपर यही स्टिच, इसी स्टिच के साथ और इसी तरीके से आप बनाएं। आजकल हर डिज़ाइनर सूट के ऊपर यही वाली एम्ब्रॉयडरी चल रही है, तो आप इस तरह से घर बैठे बहुत लेस एक्सपेंसिव तरीके से आप बना सकते हैं।
इसी तरह से अब हम इसे फिल करेंगे। अब हम इसे बुलियन लेजिस के साथ करेंगे। मैंने इसे 3 टाइम रैप किया है और आप लोग अपने जितना आपका डिपेंड करता है आपको कितनी लंबी बनानी बनानी है, इसे बुलियन कितना लंबा लेना है, तो उतने ही आप इसे ज़्यादा टाइम रैप कर लेंगे। और इसे आप नीडल के साथ इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। इसे हम साटन स्टिच के साथ या स्ट्रेट स्टिच के साथ फिल करेंगे। यहाँ आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं। अब हम इसे रोमानियन स्टिच के साथ फिल करेंगे। अब ये वाला पहले हम इसमें लूज फ्रेंच नॉट बनाएंगे।
और अब हम स्ट्रेट स्टिच के साथ यहां से स्ट्रेट स्टिच बिल्कुल इसके नीचे ले जाएंगे इसके अब हम इस सेंटर को फिल करेंगे ये जो सेंटर है इसको फिल करने के लिए मैंने ये बुलियन नॉट के साथ इसे फिल किया है ये देखें आप इस तरह से सर्कल बना लिए मैंने और मैंने इसके लिए कपड़ा डिफरेंट यूज़ किया है क्योंकि मैं इसके ऊपर येलो कलर का फिल करना चाह रही थी तो येलो से कलर का ही मैंने ये कपड़ा लिया है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। यूँ आपने लेना है, अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो मैं ये हाथ विदाउट फ्रेम भी इस तरह से आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने 8 टाइम इसको रैप किया आप इस तरह से दोनों तरीकों से बना सकते हैं। एक वो पहला तरीका जो मैंने बताया है ये वाला जो है ये सेकंड तरीका इस तरह से थोड़ा सा पिंच सा आपने कपड़ा लेना है उसमें और फिर यूं जितना आपने बड़ी ये बुलियन बनानी है जितना भी बड़ा वो आपने उतने ही ज़्यादा उसमें रैप ले लेने और फिर आपने यूँ इस तरह से इसको दबा के रखना है प्रेस करके और यूँ ऐसे इस तरह से। अब ये देखें यूँ इस तरह और यूँ ये इसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो ये इस तरह आपने ऐसे बना लेना सर्कल सा। अब आप इसे काट लेंगे थोड़ा आपने डिस्टेंस रख के काटना है इसे
हमें ये इस तरह से बनाना है इसे, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि ये कितना हमें चाहिए होगा कि ये इस तरह से राउंड हो जाए, इसका यूं ऐसे बन जाए इस तरह, ठीक है। तो हमें इसका इतना चाहिए, अब हम इसके अंदर पॉलिएस्टर फिल कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे। और अब हम इसे यहाँ पे सेंटर में इधर लगा देंगे। जैसे हमने इसे किया है, इसी तरह से सेम हम इसमें भी इसी तरह से ही फिल करेंगे। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।